बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। लोकसभा चुनाव 2019 इस और इशारा करती है बीजेपी की लिस्ट। पार्टी की ये है सबसे बड़ी चिंता। शॉर्ट स्कर्ट नहीं चलेगा के फरमान से भड़की मेडिकल स्टूडेंट्स। लोकसभा चुनाव 2018 राजस्थान में भाजपा में शेष 9 सीटों के लिए मचा घमासान। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अभी तक 306 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और उसकी लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कि वह पीढ़ीगत बदलाव की और इशारा करती है। सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे बड़ी चिंता सत्ता विरोधी लहर है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उसकी चिंताएं ज्यादा है। लोकसभा के लगभग 50 सांसदों की टिकट अब तक बीजेपी काट चुकी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी चीफ अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी की केंद्रीय बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र, शांता कुमार, बीसी खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी जैसे दिग्गजों के सीट चुनाव से दूर रखा है। मुंबई महाराष्ट्र के सरकारी जेजे हॉस्पिटल से संबंध ग्रैंड हॉस्पिटल कॉलेज में लड़कियों के कपड़ों के लेकर तुगल की फरमान जारी किया गया है। इस फरमान के बाद से छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। अस्पताल की छात्राओं को सर्कल जारी कर छोटे स्कर्ट्स पहनने से मना किया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने रविवार को प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस तुगल की आदेश के जरिए अधिकार मोरल पुलिसिंग की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही लड़के और लड़कियों को कॉलेज में कार्यक्रमों के दौरान साथ बैठने से भी रोका गया है और अलग अलग बैठने का निर्देश दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 25 में से 16 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए है, लेकिन शेष 9 सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। भाजपा ने आम चुनाव के लिए जारी अपनी पहली सूची में राजस्थान की 16 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने चूरी, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, नागौर, दौसा और पासनवाड़ा के लिए नाम की घोषणा नहीं की है। अलवर और दौसा के अलावा 7 सीटों पर इस समय भाजपा के ही सांसद हैं। अलवर कांग्रेस के खाते में, जबकि दौसा सांसद हरीश मीना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए और इस समय विधायक है। तो MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।